हेलो गाइस, कैसे हो? तो बहुत सारे भाइयों का सवाल था दोस्तों कि बाइलक अगर इमरत आईडी भुला गया या गुम हो गया या मैं इंडिया गया इमरत आईडी लेकर, तो फिर वो इमरत आईडी कैसे बन जाएगा? मतलब भूल गए लाना, या फिर मतलब वो खो गया, टूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कैसे इमरत आईडी बनेगा? बहुत सारा लोग डराते हैं वर्कर को कि अगर इमरत आईडी भुला गया तो आपको 4,000 दिरहम लग जाएगा, 5,000 दिरहम लग जाएगा, ए हो जाएगा, वो हो जाएगा, पुलिस केस करना पड़ेगा, बहुत सारा दिमाग। हम लोग को भी जब नए नए आते थे दोस्तों तो लोग तरह तरह का बातें करता था। तो इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों कि अगर आपके इमरत आईडी अगर गुम हो जाता है या किसी कारणवश भुला जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप इजीली तरीके से कैसे बनवा सकते हो। सिंपल है दोस्तों, मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करूँगा, मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा, क्योंकि ऑफिस में बैठकर वीडियो बनाना एक अलग है, अपने घर में बैठकर वीडियो बनाना अलग है, और यहाँ जो ज़मीनी हकीकत है, मैं खुद वर्कर हूँ दोस्तों, पिछले 12 साल से दुबई के अंदर जॉब कर रहा हूँ, तो जो भी बताऊँगा रियलिटी के बेस पर बताऊँ, क्योंकि बहुत सारा भाइयों का मेरे आंखों के सामने इमरत आईडी भुलाया है, उन लोगों का बना है, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड दोस्तों वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी नहीं जाना चाहिए, बट कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है तो मैं सोचता हूँ एक वीडियो बनाकर मैं अपने वर्कर भाइयों को इसका कन्फ्यूज़न दूर करूँ। और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कॉमेंट करते हो तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों देखिए, आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं। मान लिया आपका इमरत आईडी भुला गया, फिर भी आपके पास जीरोक्स तो ज़रूर होगा, फोटोकॉपी होगा। भाई लगा अगर फोटोकॉपी नहीं भी है तो वीज़ा से आपको वो चीज़ निकल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दो तीन स्टेप है, ये तरीका मैं बताऊंगा कि एक वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपना आईडी पहले कैंसिल कराना है, उसके बाद फिर वहाँ पे फॉर्म ये भरना है, ऐसा भी बहुत तरीका है, बट वो सब आपको कुछ नहीं करना है। वर्कर भाई इतना टेढ़ा मेढ़ा जानकारी नहीं समझ सकते, मैं भी नहीं समझता दोस्तों, इसलिए आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर दुबई में हर जगह पर टाइपिंग सेंटर होता है, आपको जाना है टाइपिंग सेंटर में और सीधा अपना समस्या बताना है, कुछ भी नहीं करना, अपना समस्या बताना है और बोलना है कि भाई मेरा इमरत आईडी भुला गया है या गुम हो गया, जो भी हो गया हकीकत बात बताना। वो उन लोग खुद आपको बोलेगा कि फिर से अप्लाई करने के लिए वीज़ा कॉपी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी चाहिए, ऐसा तो बोलता है कि वीज़ा कॉपी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी चाहिए, और वो वाला जो इमरत आईडी है दोस्तों वो लोग कैंसिल करा देगा, कि इनकेस मान लीजिए वो आईडी किसी को मिल गया होगा तो उसका गलत कोई फ़ायदा ना उठा सके, इसलिए ये लोग ये फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन कैंसिल करा देती है, आपका कुछ फिंगर वगैरह लगवाएगी और कैंसिल करा देगी। तो इसका जो चार्ज है दोस्तों 40 दरहम है, आप जान लो 40 दरहम सिर्फ ये इसका चार्ज है, मतलब कैंसिल वगैरह ये सब कराने का। बाकी 300 दरहम आपको मालूम है कि दुबई में इमरत आईडी का 270 से 275 लगभग लगता है, लेकिन 300 दरहम वो लोग लेता है बनाने के लिए, और 40 दरहम हो मतलब 350 दरहम में आपका आईडी दूसरा बन जाएगा, इसलिए आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा दोस्तों का कन्फ्यूज़न रहता है कि, और लोग डरा देते हैं कि भाई 5,000 दरहम लगेगा, पुलिस केस करना पड़ेगा, ऐसा है वैसा कुछ नहीं है। आप मेरा बात पर भी विश्वास मत करो, आप सीधा जाओ ये टाइपिंग सेंटर में, सीधा आप बोलो कि भाई मेरा इमरत आईडी भुला गया, क्योंकि उन लोगों का काम ही यही है, वीज़ा अप्लाई करना, इमरत आईडी बनवाना, हर तरह का काम वो लोग, क्योंकि टाइपिंग सेंटर रखा ही है, गवर्नमेंट खुद ऑथराइज किया है कि ताकि जो मिनिस्ट्री का काम नहीं हो पाता है वो ये लोग ऑनलाइन करता है, ये लोग प्राइवेट है बट ये लोग ऑनलाइन करता है, ये लोग हर चीज़ की जानकारी होती है, तो आप जाकर पूछोगे तो आपको सीधा अच्छी जानकारी देगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से पूछोगे तो मैं कुछ और बताऊँगा, दूसरे लोग से पूछोगे तो वो कुछ और बताएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसीलिए मैं बताया आपको सीधा जाना है टाइपिंग सेंटर, जाने के बाद सीधा अपना समस्या बताना है, वो लोग जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट दे दो, सीधा वो लोग आईडी कैंसिल कराएंगे, जो चार्ज है वो लगेगा और आपका नया आईडी बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों, यही स्टेप है, बाकी कोई स्टेप नहीं है। बहुत सारा लोग ऐसा बनवाया फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी सवाल है दोस्तों कोड के साथ आप नीचे कमेंट करो, मेरे पास जो नॉलेज होगा मैं ज़रूर अपने वर्कर भाई के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक वर्कर वर्कर की फीलिंग समझता है दोस्तों, तो मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले मैं अपने वर्कर भाइयों के साथ शेयर करूँ। आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, नए वीडियो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ दोस्तों, जब तक गुड बाय।